तो अब ये हो गया भाई, फॉर लूप की कहानी यहाँ पे हो गई खत्म। लेकिन अभी तो शुरू हुई है कहानी फॉर लूप की। मुश्किल नहीं है वो तो, आप भाई पहली दफा तो मुश्किल लगेगा ना, जाहिर है। अब मेरे पास एक है एरे, लेट अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया था कि लूप बना है एरे के लिए और एरे बना है लूप के लिए। अब ये एक अदद एरे है, मैंने इस एरे के तमाम जो वैल्यूज़ हैं एरे की उनको प्रिंट करवाना है मैंने, क्या करूँगा मैं? अच्छा, आई क्या प्रिंट करता है? ज़ीरो से शुरू है, पहली दफ़ा जब चलेगा तो आई में क्या आएगा? ज़ीरो। अगली दफ़ा चलेगा तो आई में क्या आएगा? वन। तो अगर मैं ये कर दूं यहाँ पे रोल नंबर्स का इंडेक्स आई, तो इस आई के अंदर पहली दफ़ा में ज़ीरो आएगा, तो वो जो ज़ीरो वाली चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ। एग्री? मेक सेंस है या नहीं है? पहले आई को इट्सेल्फ जब मैं प्रिंट करता था तो ज़ीरो वन टू थ्री ऐसे प्रिंट होता था, अब मैंने क्या किया है, आई को रोल नंबर का इंडेक्स आई मैंने बोला है कि प्रिंट करो, तो अब रोल नंबर का इंडेक्स आई जो होगा ना वो 10 तक ये जाएगा। आ जाते हैं इसको, हम चला के देख लेते हैं। अब ये क्या हुआ, 23 से लेके 23 तक इसने प्रिंट कर दिया, लास्ट में 23 दो दफ़ा है ना, तो 24 कर देता हूँ उसको मैं और 21 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट तक ये गया है लेकिन लास्ट में एक अदद आया है अनडिफाइंड, ऐसा क्यों हुआ? ये तो सही प्रिंट कर दिया इसने ऊपर से नीचे तक, लेकिन लास्ट में एक अदद अनडिफाइन आया है, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? इंडेक्स ज़्यादा हो गया है, हमारे पास ये टोटल नंबर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 10वां जो था ना हमारा, क्योंकि ये हमारा जो लूप चल रहा है वो चल रहा है 0 से लेके 9 तक, तो 9th इंडेक्स उस एरे में था ही नहीं, इसमें था 0 से लेके 8 तक, 9th इंडेक्स था ही नहीं इसके अंदर, हमने चलाया 10 दफ़ा, तो आखिर में एक मिल रहा है अनडिफाइंड। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये 10 दफ़ा चलने के बजाय ये 9 दफ़ा चले, इसको 9 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अब मसला हल हो गया मेरा, 9 दफ़ा चलेगा अभी। अच्छा, लेकिन अब इमेजिन करें इसमें से 2 नंबर कम हो गए, ये तो लॉजिक मुझे फिर, अच्छा ये आमतौर पर आ रहा होगा डेटा बेस से उठ के, ये वैल्यू ना आमतौर पर डेटा बेस से आ रही होगी, तो कभी वहाँ पर 10 होगा एरे में, कभी 12 होगा, कभी 20 होगा एरे में, कोई भी नंबर हो सकता है। अब तो ये दोबारा मसला हो गया, अब तो ये दोबारा मैं इसको चलाता हूँ तो फिर अनडिफाइन आने लगता है नीचे, तो इस 9 की जगह पे मुझे क्या डालनी पड़ेगी, एरे की लेंथ। कैसे करूँगा मैं एरे की लेंथ? एरे डॉट लेंथ, एरे का जो भी नाम है रोल नंबर्स डॉट लेंथ, ये उसका मेथड है, जो हमने मेथड की लिस्ट पढ़ी थी। अच्छा, इसको मेथड तो नहीं कहते, मेथड उसको कहते हैं जो गोल ब्रैकेट जिसमें होती है, कॉल सिग्नेचर होता है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी और मेथड काइंड ऑफ सेम ही काम होता है दोनों का, ठीक है। समझने के लिए इसको भी हम मेथड बोल लेते हैं अभी, लेकिन ये असल में प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी में और मेथड में फ़र्क ये होता है कि प्रॉपर्टी ना फिक्स होती है, वो आप लिखते हैं और आपको मिल जाती है, मेथड जो होता है वो एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन भी हमने नहीं पढ़ा तो इसलिए उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एरे डॉट लेंथ करके हमें ये इतना जो पार्ट है ये क्या रिटर्न करेगा, एरे डॉट लेंथ एक नंबर रिटर्न करेगा, जितना भी मेरे एरे का लेंथ है ना इस वक्त वो रिटर्न करेगा। अच्छा, मेरे एरे का लेंथ है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसमें टोटल इंडेक्सेस हैं, तो 0 से लेके 6 तक है, तो एरे डॉट लेंथ क्या मुझे क्या रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि नहीं, 7 करेगा, इंडेक्सेस, इंडेक्स जो होता है वो 0 बेस होता है, लेकिन यही असल में बताने का मकसद यही है कि इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर आप रहे हैं इसमें कि जब लेंथ मालूम करूंगा ना मैं तो ये देगा 7, ठीक है। अच्छा, वो उसका फॉर अ वेरी गुड रीज़न, इमेजिन करो कि अब इसमें 2 इंडेक्सेस हो अगर इसमें, तो इसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, 2 नहीं, अभी जो ये वाला जो देता है ना डॉट लेंथ, तो इसमें ये देता है 2, 1 बेस देता है, तो 2 आएगी इसमें। अगर 0 होता तो क्या आती, 1 आता है ना, अगर 0 होता तो 1 आता। अब इसको कर दो ये, अब एरे डॉट लेंथ देगा आपको 1,
लेकिन अगर जीरो बेस होता तो जीरो आता। अच्छा अब कर दो इसको जीरो। अब ये जो नंबर्स डॉट लेंथ है ये आपको देगा जीरो, वन बेस है ये क्योंकि क्यों तो कुछ नहीं है तो जीरो है। अब वो जीरो बेस होता तो क्या देता, माइनस वन देता मे बी, तो वो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी। तो इस वजह से जो डॉट लेंथ करके आप मंगवाते हैं वो आपको हमेशा वो वन बेस, वो काउंटिंग देता है। देखो काउंटिंग कभी भी क्या होती है, जीरो बेस नहीं हो सकती, काउंटिंग जीरो बेस नहीं होती, मतलब बंदा जीरो नहीं हो सकता, वन होगा। ठीक है, अगर चार बंदे खड़े हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तीन है, वो चार ही बंदे हैं। तो अच्छा, तो मैं वापस इसको ले आता हूँ, छः सात इंडेक्स। तो मैंने कहा कि नंबर्स डॉट लेंथ, तो ये जो भी इंडेक्स होगा यानी जीरो से सिक्स इंडेक्स है तो ये सेवन देगा, टोटल लेंथ देगा। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा इसको कि जब आई जब तक छोटा रहे सेवन से, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली सिक्स तक चलेगा, ये जीरो से शुरू होगा और सिक्स तक चलेगा, तो हमारा मसला इसमें हल है। ठीक है, तो दस दफ़ा अगर मुझे चलाना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो लिखता हूँ, यहाँ पे टेन लिखता हूँ मैं, तो नौ दफ़ा चलता है, ज़ीरो से नाइन तक चलता है ऑटोमेटिकली। तो लेंथ अप्रोप्रिएटली फिट भी हो जाता है, मेक सेंस भी हो जाता है ऑटोमेटिकली, उस चीज़ में फिल भी अपने आप को ब्लेंड कर लेता है, कोई ऐसे अटपटा सा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसमें हमेशा हम एक नंबर ज़्यादा ही लिखते हैं, हम आमतौर पर इसमें लिखते हैं टेन, तो टेन का मतलब होता है कि ज़ीरो से नाइन तक चलेगा ये, है ना, अनटिल एंड अनलेस कि हम इसमें ये इक्वल ना लगा दें। इक्वल लगाने से फिर वो ज़ीरो से लेके पूरा टेन तक चलता है, फिर अलेवन हो जाता है। तो इसमें अपने क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है एरे डॉट लेंथ, जो भी एरे का नाम है, हर दफ़ा आपके एरे का नाम अलग होगा, उसकी लेंथ लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा कि कितनी लेंथ है, उतनी बार इसको ये चलाएगा। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, चलाया 43 से लेकर 21, ये देख ये पूरा चल गया, 43 से लेकर 21 तक ये पूरा चल गया। हाँ अब नेस्टेड अभी अभी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसमें कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं ये चाहता हूँ, अभी तो मैंने क्या किया ना, लूप चला के एरे को एक्सेस किया, एरे को एक्सेस किया यानी उसको प्रिंट करवा दिया काइंड ऑफ। अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम नंबर जितने भी हैं ना, इसको मैं क्या कर दूँ, टू से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब कौन बताएगा मुझे कि काम कैसे होगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, हैं क्या ऐसा लिखूँ कि वो सारे नंबर टू से मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, मतलब एक एक करके हम तमाम इंडेक्सेस पे जा रहे हैं ना, तो एक एक करके जब हम हर इंडेक्स पे जाएँ ना, तो उसको मल्टीप्लाई भी करते जाएँ साथ साथ। आई को मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करवा दूँ टू से, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि लूप ख़त्म होने के बाद जब मैं इसको कंसोल करूँ ना, रोल नंबर्स को जब मैं कंसोल करूँ ना, तो क्या कंसोल हो, यहाँ पे जो एरे प्रिंट हो वो ऐसा वाला एरे नहीं हो, बल्कि वो टू से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हो। तो क्या ये कोड सही है, क्या ये वाला जो आइटम है इससे ही अचीव हो जाएगा, फिर कैसे होगा, इंक्रीमेंट की जगह मल्टीप्लाई लगा दूँ। अच्छा, यहीं पे लगाऊँ जहाँ पे दोस्त ने बताया, ये कहीं और लगेगा, ये ऊपर वाला इंक्रीमेंट, ये वाले पे नहीं, ये इंक्रीमेंट तो छिड़ेगा ही नहीं ना, ये तो फॉर लूप है ना, फॉर लूप तो सही चल रहा है, एक एक इंडेक्स पे जा रहा है हर एरे के, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब हर इंडेक्स पे जब वो जाए ना, तो उसको वहीं पे मल्टीप्लाई भी कर दे वो, तो क्या ये काम कर सकता हूँ मैं। इसको ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन नहीं, इसको तो छोड़ दो ना यहाँ भाई, यहाँ पे मुझे एक बात लिखनी है जिससे वो मल्टीप्लाई हो जाए, बताओ क्या बात है वो, यहाँ पे होगी, चलो ये मैंने बता दिया। हाँ अच्छा, इन्होंने कहा कि जो जो भी रोल नंबर उसमें है, रोल नंबर का जो इंडेक्स जो भी आई जो है, उसको हम बना लें यहाँ पे टेम्प्रोरी वेरिएबल, यही कह रहे हो ना, हाँ यही कह रहे हो ना। तो मैंने कहा कि जो भी डिजिट है ये, इसको मैंने डिजिट को अलग कर लिया यहाँ से, इसमें से निकाल के अलग कर लिया, सही है। उसके बाद आपने कहा कि इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने कहा डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू, और ये मल्टीप्लाई बाय टू करके किधर रखवा दूँ उसको मैं। अच्छा, तो डिजिट इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू, तो डिजिट में जो भी आइटम था वो अब मल्टीप्लाई हो गया टू से। अच्छा, अब इसको वापस उसमें रखवा दूँ, उसी इंडेक्स में। अच्छा, तो मैंने कहा कि रोल नंबर्स का इंडेक्स आई,
इक्वल्स टू डिजिट। हाँ भाई ये क्या कोड सही लिखवाया दोस्त ने? अच्छा इस कोड को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, कोड बिल्कुल सही है ये। अच्छा अगर मैं ये करूँ कि रोल नंबर का इंडेक्स आई इक्वल्स टू रोल नंबर का इंडेक्स आई मल्टीप्लाई बाय टू, तो क्या ये कोड अभी भी सही है? कौन से ब्रैकेट में? ये वाले को आई मल्टीप्लाई बाय टू को, इस पूरे वाले को ब्रैकेट में करूँ, ये इतने को? क्यों ये भाई इतना आइटम मुझे रिटर्न करेगा एक एक नंबर, ये तो इतने का कोई मतलब ही नहीं है। ये इतना जो है ना ये एक एक्सप्रेशन है, इतनी बात जो है ये खुद ये इटसेल्फ ये जो जितना सेलेक्टेड है ना अभी ये खुद गायब हो जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह जो भी वैल्यू होगी ना 43 है, 43 आ जाएगा यहाँ पर। कुछ इस तरह से ये रन होगा ना जब ये रन होगा तो, ठीक है? तो इसको ब्रैकेट में करने का कोई सेंस नहीं है। अगर ब्रैकेट में मैं करूँगा तो इसको करूँगा पूरे को, इसको करूँगा पूरे को, लेकिन इसको करना भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर सिर्फ एक मल्टीप्लाई है ना, अगर तो मल्टीप्लाई डिवाइड होता प्लस माइनस भी होता तो फिर मैं कहता अच्छा इसको पहले कर दो उसको बाद में, उसके लिए अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई बाई टू क्या रिजल्ट आएगा उसका? 86। तो यहाँ पे 86 आ जाएगा, और 86 को मैंने कहाँ रखवा दिया? उसी इंडेक्स में वापस रखवा दिया जहाँ से मैंने उठाया था। तो अब ये लूप घूमेगा, ये आई था पहली दफ़ा, आई में जीरो था, तो ये जीरो इंडेक्स के साथ ये कहानी हो गई ख़त्म हुआ। तो ये ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो चुका है या नहीं हो चुका है? ऊपर कहाँ मल्टीप्लाई? यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर कर दूँ, यहाँ पे मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ टू ये वाला। यार इससे क्यों होगा? देखो इससे नहीं होगा, पता है क्यों? देखो ड्राई रन करो इसको क्या होगा, इस जगह पे क्या आएगा? जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ 43 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ आ जाएगा 86। तो 86 यहाँ प्रिंट तो हो जाएगा लेकिन ओरिजिनल एरे तो मॉडिफाई नहीं हुआ ना। ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। ओरिजिनल एरे मॉडिफाई होगा असाइनमेंट ऑपरेटर से, कि पहले वाला हटा के दूसरा रखो उसमें, है ना? लास्ट जो हमने एरे पढ़ा था जब उसमें हम देख रहे थे कि एरे को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो मॉडिफाई जब तक असाइनमेंट ऑपरेटर का रोल नहीं होगा ना बीच में, जब तक ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने ये तो कर दिया कि भाई मिसाल के तौर पर टू और मल्टीप्लाई बाई टू, लेकिन टू और मल्टीप्लाई बाई टू होकर रिटर्न हो जाएगा यहाँ, और रिटर्न होकर वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो कंसोल डॉट लॉग में, और वो किसी वेरिएबल में सेव नहीं होगी वो जो बात, वो टेम्पोरीली जस्ट वहाँ पे एक हुआ है और प्रिंट हो गया। सही है सर, जी अच्छा वो अभी करते हैं, वो अभी करते हैं, पहले टू से मल्टीप्लाई वाले पे तो सारे एग्री हो जाओ। ये जो है कि हर इंडेक्स को मैंने टू से मल्टीप्लाई करना है, ये सब लोगों को बात क्लियर हो गई, समझ आ गई? कोई किसी में का सवाल, कोई क्वेश्चन? इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? अभी देखो मैं रन करूँगा तो एरर नहीं आ जाना चाहिए फिर कोई, फिर बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की। देखो अच्छे से देख लो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। प्रिंट में वो बगैर मल्टीप्लाई वाला होगा, यही होगा। तो प्रिंट मैंने पहले करवाया, मल्टीप्लाई मैंने बाद में करवाया, सही है? तो बज़ाहिर इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे भी ख्याल में इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखें ये 43, 12, 65 ना बगैर मल्टीप्लाई किए मैंने इसको प्रिंट किया था, ठीक है? लेकिन जब ये लूप ख़त्म होने के बाद ये प्रिंट हुआ है तो ये तमाम के तमाम नंबर आप देखें डबल हो चुके हैं, टू से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अब मैंने अब हर नंबर को ना टू से नहीं मल्टीप्लाई करना, हर नंबर को मैंने स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या होता है पता है ना? हाँ, तो अगर 43 है तो उसको 43 ही से मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब मुझे तमाम नंबर्स को स्क्वायर करना है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई टू। आई मल्टीप्लाई बाई आई, यहाँ पे एक और स्टेरिक आ जाएगा ऐसे,
ये तो मगर वो होता है। हाँ नहीं पावर का है, सही कह रही है। वेल नहीं, मुझे अगर सिंपल तरीके से करना है, मैं वो वाला नहीं मल्टीप्लाई के साइन, क्योंकि भाई 43 मल्टीप्लाई बाय 43 करना है मुझे। इसी रोल नंबर को यहाँ पे लगा दूँ मैं अगर, तो भी ये चीज़ अचीव हो जाएगी, है ना। जस्ट टू कीप इट सिंपल, वरना जवाब आपने सही दिया बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। जवाब इन्होंने बिल्कुल सही दिया, लेकिन जस्ट टू कीप इट क्लियर, अभी हमने क्या किया कि इसी इंडेक्स को इसी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब ये क्या हो जाना चाहिए? स्क्वायर हो जाना चाहिए। अच्छा ये आ गया जी, रिफ्रेश किया मैंने तो ये 43 मल्टीप्लाई पे 43 हो गया, कोई बड़ा सा रिजल्ट आ गया, स्क्वायर हो गया ये। अच्छा अब मुझे करना है क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 12 अगर है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई, तो 3 दफ़ा 12, एक और लगा देंगे और क्या, सिंपल है ये तो। ठीक है, तो ये मैंने 3 दफ़ा इसको लगा दिया, तो ये रोल नंबर आई रोल नंबर आई रोल नंबर आई में 12 12 12 3 दफ़ा, ठीक है, अगर इंडेक्स नंबर 1 है तो। ये क्यूब इससे निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा, ठीक है, कोई अगर वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है, वैसे ये सही आया रिजल्ट। तो हमने इस पॉइंट पे क्या सीख लिया? एक तो हमने पिछली क्लास में एरे पढ़ा था, एरे हमने अच्छे से समझ लिया था, आज की क्लास में हमने फॉर लूप अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए एरे को कैसे एक्सेस करते हैं और एरे को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये दोनों बातें हमने सीख ली हैं। सही है, एरे को एक्सेस करना भी और एरे को मॉडिफाई करना भी, ठीक है। अच्छा अब इसको यूज़ कहाँ करना है? ये एरे और जो फॉर लूप है ना, ये तो साथ साथ चलेगा, अब एंड तक चलेगा अब ये साथ साथ। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देखा था, जब कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था मैंने कहा अब तो ये चलेगा साथ साथ, तो देखो अभी भी चल रहा है ना। वेरिएबल हमने पढ़ा था तो वो चल रहा है साथ साथ, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी अब वो साथ साथ चल रही हैं, अब वो काफ़िला बनता जा रहा है पूरा। तो ये जो प्लस प्लस हमने पढ़ा था, प्लस प्लस भी चल रहा है साथ साथ हमारे, ठीक है। एरे के मेथड भी हमने 2-4 देखे थे, जो डॉट लेंथ देखो चल रहा है साथ में ये, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। नंबर टाइप का वेरिएबल पढ़ा था हमने, वो भी नंबर अभी तक हैं, हर जगह आ रहे हैं नंबर, स्ट्रिंग हर जगह आ रहा है। तो ये अब फॉर लूप और एरे, अब ये आपके साथ साथ चलेगा। तो अब आप लोगों का टास्क ये है, ये पढ़ने के बाद कि आप लोगों ने जाके ना चैट जीपीटी से ये पूछना है कि आपको वो एक एक्सरसाइज दे, आपने बताना है कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें दोनों समझता है वो, मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, आज मैंने एरे और फॉर लूप का टॉपिक पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, अब मैंने करनी है एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज बताओ, मुझे 10 एक्सरसाइज ला के दो जो इंटरमीडिएट लेवल की हो। और वो जब बताएगा टास्क, उसको अपने नोट डाउन कर लेना, उसको सॉल्व करके और नेक्स्ट क्लास में अपने वो लेकर आना, ठीक है। अच्छा सबमिट कराने का तरीका वही है कि यूज़र से एक इनपुट होगा, उसको प्रोसेस करेंगे, आप आउटपुट दिखा रहे होंगे, गिटहब पेजेस पे वो होस्टेड होना चाहिए, गिटहब में आपका वो कोड पुश होना चाहिए, ठीक है, वो सारा जो क्राइटेरिया हमारा वो अपनी जगह है, और यूज़र से इनपुट होना चाहिए। मे बी यूज़र से इनपुट ना भी लें तो खैर है, मतलब अंदर उसके फॉर लूप और एरे का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। अच्छा हमने लूप मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल उसकी मैं बता देता हूँ क्या हो सकता है। जो हमने मैट्रिक्स वाला काम किया था, मैट्रिक्स का जो सब और सबट्रैक्ट जो था, मैट्रिक को प्लस करना, मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को आपस में माइनस करना, वो काम भी फॉर लूप के ज़रिए हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी तो वो 2x2 का है, लेकिन इमेजिन करें अगर 10x10 का मैट्रिक्स हो जाए, वो तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। एक दोस्त ने बल्कि बना के डाला भी था, कौन था वो जिसने, 3x3 आप थे वो, अच्छा तो वो फॉर लूप से वो काम होगा 3-4 लाइन में, वो खुद ही घुमाएगा, जितनी बार भी घुमाना है वो खुद घुमाता रहेगा। तो दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करने वाला काम जो है वो फॉर लूप से बहुत आराम से हो जाता है। अगर बगैर फॉर लूप के करेंगे तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा लाइन। हाँ
नहीं तो देखो अभी तो मैट्रिक्स तो तुम सॉल्व करोगे वो तो बात अलग है, तो प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया करो। तुम क्या कह रहे हो कि इस तरफ से इसको डिवाइड करता हुआ है? नहीं अभी तो हमारे केस में अभी जो मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं ना, तो भले इस तरफ से मल्टीप्लाई करता हुआ है या भले इस तरफ से आए, वो तो एक ही बात है, वो तो फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैंने एक रैंक्स के नाम से बना दिया, ये रैंक्स मैंने कहा कि भाई 0, 1, 3, 2। तुम कह रहे हो ये हो और एक को शुरू से पकड़े और एक को लास्ट से पकड़े और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाता जाए, ये कह रहे हो ना तुम? हो जाएगा बहुत इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं ये, और ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ये, तो इसमें कॉमा डाल के हम एक और वैल्यू दे देते हैं इसको, 8, 8 दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो एक ये रोल नंबर डॉट लेंथ चल रहा है और दूसरे वाले को मैंने करना है अपोजिट से उठाना है, ये कह रहे हो तुम? तो इसके लिए ना मैं दो वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा, एक ज़ीरो से और एक एरे डॉट लेंथ से। कर सकता हूँ ना मैं ये काम? जी नहीं, माइनस नहीं, मेरा कुछ और, मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये सवाल यहाँ पे ये है कि लूप जो है ना एक तरफ इधर से चले और एक नंबर इसका उठाए, अच्छा दूसरे वाले एरे पे लास्ट से उठाना शुरू करें, हाँ शायद लास्ट से ही शुरू करेगा, लेकिन उसका और सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, जो ना मैं जो बता रहा हूँ ना वो इंडेक्स माइनस वन से भी सिंपल तरीका है वो। अच्छा क्या मैं यहाँ पे इस जगह पे ये जो लेट करके मैंने आई ज़ीरो किया है, यहाँ पे मैं आई के साथ साथ एक और भी तो बना सकता हूँ ना, जे इक्वल्स टू वन कर सकता हूँ ना मैं? तो जस्ट टू कीप इट सिंपल मैं इसको, इस आई को भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, जस्ट टू कीप इट सिंपल, वरना मैं अंदर भी दोनों काम कर सकता था। ठीक है, इनिशियलाइजेशन खाली है, एक को मैंने ज़ीरो पे कर दिया और एक को मैंने कर दिया कि लेट जे इक्वल्स टू, अब इसको मैंने मैक्सिमम रखना है, मतलब एक तो यहाँ से ज़ीरो से शुरू है ना, एक मुझे ये वाला इंडेक्स चाहिए। अब ये इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? एरे डॉट लेंथ, सही है, तो मैंने कहा कि रैंक्स को जो है ना डॉट लेंथ, तो जो भी इसका इंडेक्स था ना वो यहाँ पे मुझे पता चल गया लेंथ करके। ठीक है, माइनस वन कर लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। जी हाँ, माइनस वन करना पड़ेगा मे बी इसको, हमें देखते हैं अभी, ज़रूरत पड़ा तो माइनस वन कर लेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ा तो उसको वैसे ही चला देंगे। अच्छा अब तो ये तो एक ही हो गया, अब होता क्या है कि हर दफ़ा इंक्रीमेंट लगता है एक अदद इसमें, है ना? अच्छा, और मुझे डिक्रीमेंट किस में लगाना है? जे में माइनस माइनस करवाना है मैंने, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों साथ साथ हो जाएगा, कॉमा डाल के हो जाएगा, सही है, लेकिन मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ जस्ट टू कीप इट सिंपल, वैसे तो यहाँ हो जाएगा ये। मैं यहाँ जाता हूँ लास्ट में इसके, और लास्ट में मैं कहता हूँ कि यार आई में प्लस प्लस करो और जे में माइनस माइनस करो। ठीक है, मैंने ये एक जगह कर दिया, दो अलग अलग लाइनों में कर दिया, मसला हल हो गया। अब एक ज़ीरो से शुरू होगा और वो इंक्रीमेंट होगा, एक शुरू होगा 7 या 8 से और वो माइनस होगा, यही था ना? हाँ भाई, इतने टेंशन में क्यों आ गए? भाई मल्टीप्लाई तो करवाना है, लेकिन करना क्या है, इसका पहला उठाऊं और इसके लास्ट से करा दूं, फिर इसका दूसरा उठाऊं और इसके सेकंड से करा दूं, ये है ना, यही करना है ना? तो यही तो होगा यहाँ पे, यही तो होगा, ये नहीं होगा, इसको माइनस वन हमें करना पड़ेगा शायद, सही है। इनिशियलाइजेशन और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है, वो हमने अलग कर दिया, एक को बाहर निकाल दिया, एक को नीचे ले गया मैं बिल्कुल बॉटम पे। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया, इसको रोक के अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि भाई रोल नंबर का जो इंडेक्स आई है उसमें क्या रखवा दो आप, उसमें ये रखवा दो रोल नंबर का इंडेक्स आई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बोला तुमने? मल्टीप्लाई बोला, और पहली दफ़ा जब आई में ज़ीरो होगा तो जे में क्या होगा? वो लास्ट वाला इंडेक्स होगा, 7 या 8 जो भी इंडेक्स बनता है। ठीक है, माइनस वन करके मैंने इंडेक्स ही रखवाया है, तो मैंने कहा कि जे वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, रैंक्स का इंडेक्स जे।
हाँ भाई सही हो गया। एक रोल नंबर था ये शुरू से चल रहा है, और ये रैंक्स था ये लास्ट वाले से चल रहा है। नहीं मगर ये देखो तुमने जो सवाल किया था मैंने उसका जवाब दिया, ये मैट्रिक्स को इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करवाते। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने का तरीका अलग होता है, वो नेस्टेड लूप से होता है, लूप के अंदर एक और लूप से होता है, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेस्टेड लूप को हम आज डिस्कस नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपके नेस्टेड लूप कैसे चलते हैं, फिर आप उसकी प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। वेल नेस्टेड लूप इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत ईजी टॉपिक है, आप खुद से भी उसको स्टडी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, और प्रेजेंटेशन है अगली क्लास में पूरे 2 घंटे की, और सब लोगों ने वेल ड्रेस होके आना है, प्रेजेंटेशन बना के लानी है, ठीक हो गया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।